तो मिस्टर न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है। इनर्शिया सिर्फ ये है, इनर्शिया का मतलब मिस्टर अक्षत, हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ? आदत। अगर कोई चीज़ बैठी हुई है तो वो बैठना ही चाहती है, अगर कोई चीज़ भाग रही है तो वो भागना ही चाहती है। नहीं समझ रहा है? अगर आपको आप थुसकर लाएं, पढ़ने का दिल नहीं करता, पिताजी बोल रहे हैं चलो पढ़ाई करो, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आपका दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर ना पढ़ने की आदत है। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि बुरी आदत में फंस चुका है और बुरी आदत में मतलब भागता ही जा रहा है, उसकी बुरी आदत को रोकने की कोशिश कीजिए, क्या वो छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब वो बुरी आदत बन चुकी है, वो बुरी आदत भाग रही है। नहीं समझना? तो न्यूटन का पहला लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया या आदत, लॉ ऑफ आदत है। वो लॉ ऑफ आदत क्या कहता है कि जो आदमी बैठा हुआ है, जो बॉडी रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहेगी, और जो एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एनेक्टेड अपॉन बाय अ नेट एक्सटर्नल फोर्स। जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स आके, नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये 5 न्यूटन की फोर्स है, इसके अपोजिट 5 न्यूटन की फोर्स है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगी 0। ऐसे नहीं चाहिए, 5 न्यूटन और 6 न्यूटन, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 1 न्यूटन होगी। नहीं समझना है मेरी बात? तो मिस्टर न्यूटन का जो पहला लॉ, बड़ा सिंपल सा लॉ है, इस पे एक्चुअली क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बन जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ इनर्शिया है। तो फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है, और इनर्शिया का मतलब क्या होता है? आदत आदत। इनर्शिया का मतलब आदत। ये टेबल यहाँ पड़ा हुआ है तो ये टेबल यहीं पड़ा रहेगा जब तक इस पर फोर्स जब तक इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। नेट एक्सटर्नल फोर्स, आपने 5 न्यूटन लगाया, मैंने भी 5 न्यूटन लगाया, तो नहीं हिलेगा ये टेबल। आप 5 लगाएं, मैं 15 लगाऊं, तो हिलेगा। नहीं समझ रहा? और अगर कोई चीज मोशन में है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी में मोशन में है, तो वो भागती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। इसको समझने के लिए एक्चुअली जो कहीं, ये पहली बात तो समझ आ जाती है, दूसरी बात समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, बिकॉज ये इस एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, एज्यूम कीजिए कि ये स्पेस में है, आप बाहर कहीं स्पेस में है, स्पेस में एक बॉल फेंक दी आपने, अब वो बॉल इनफाइनाइट टाइम तक के लिए स्पेस में चलती रहेगी, क्योंकि तो यहां तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई एयर नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो चलती रहेगी। नहीं समझ रहा? तो ये पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया। थर्ड जो लॉ है वो वैसे सिंपल है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये भी बड़ा सिंपल सा लॉ है, इसमें भी कोई ज्यादा तकलीफ आती नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि आप जिस चेयर पे बैठे हैं तो आपका वेट नीचे लग रहा है, तो ऑफकोर्स जो चेयर है वो भी तो आप पे एक फोर्स लगा रही होगी ना, और वो जो फोर्स लगा रही होगी वो आपके वेट के इक्वली तो होगी, नहीं तो आप नीचे गिर जाते। ये टेबल पे ये लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो लैपटॉप जब यहां पड़ा है तो ऑफकोर्स टेबल भी तो लैपटॉप पे फोर्स लगा रहा है, तभी तो लैपटॉप टेबल पे पड़ा है, नहीं तो नीचे गिर जाता ना। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? समझा तो ये एक्शन रिएक्शन का लॉ है। हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो डिटेल में बात करेंगे मोमेंटम की, वो आता है यहां से, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। वो ये कहता है कि जो फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन है। नहीं समझ में आया? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है? ठीक है। अब मास जो है वो केजी में चलता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में चलती है, तो एक्चुअल में इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, बट ये इतनी बार यूज होता है कि इसको बोला जाता है न्यूटन। तो न्यूटन की कन्वर्जन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया? समझे इसका एक छोटा भाई है जिसको डायन बोला जाता है, वो अगर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो वो डायन होता है। यहाँ तक कोई डाउट है? कई बार टीचर पूछ लेती है, तो देख लीजिए, 1 न्यूटन जो है वो 10^5 डाइन के इक्वल होता है। अगर टीचर क्लास में कराएगी तो जरूर पूछेगी, अगर नहीं कराए फिर भूल लेना। नहीं समझ रहा है नो भैया? थारू यहाँ तक कोई डाउट है? okay.
अब ये जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है यार, इस पे हम थोड़ा फोकस करेंगे। ये हमें जो लेक्चर है, मैं ट्राई करूंगा कि अगले 40 मिनट में इसी में आप पे फोकस करूँ। तो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, याद है? ठीक है, हाँ सर, एक्सेलरेशन जो है वो है वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ तक कोई डाउट है? नो नो डाउट है तो रोक लीजिए, डाउट है तो रोक लीजिए। प्लीज। अब इसको क्या मैं ऐसे ऐसे करके लिख सकता हूँ? डाउट है तो रोक लीजिए, भाई छोटा सा भी डाउट है तो रोक लीजिए, क्योंकि इसको मैं बहुत यूज करने वाला हूँ। छोटा सा भी डाउट है तो रोक लीजिए। पक्का? ये जो क्वांटिटी है यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, वी जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है मास इनटू वेलोसिटी, इसको नाम दे दिया गया मोमेंटम, और इसको डिनोट किया जाता है पी से। नहीं समझ में आया भाई? सर कोई डाउट है? मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम है तो जी हाँ, फोर्स को अभी कर देते हैं। अब देखिए, ये भी मास इनटू वेलोसिटी है, ये भी मास इनटू वेलोसिटी है, बट ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी। तो इसको बोल दिया जाता है फाइनल मोमेंटम, इसको बोल दिया जाता है इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। नहीं समझ में आया? समझा नहीं, डाउट है? डाउट है तो रोक लीजिए। अब एक बात बोलूंगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। ये ना डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा, और इसका मतलब साइंस में होता है डिफरेंस। डिफरेंस, नहीं समझ में आया? सर सो फॉर एग्जाम्पल, पहले वेलोसिटी यू थी, फिर वी होगी, कितने टाइम में? कितने टाइम में? डेल्टा टी, टाइम डिफरेंस बोल देते हैं इसको कई बार। नहीं समझ में आया? तो ये डेल्टा टी का मतलब सिर्फ टाइम डिफरेंस होगा। नहीं समझ में आया? तो कई बार इसको किताब में लिख देते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। नहीं समझ में आया? और इंग्लिश में इसको लिख देते हैं फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नहीं समझ में आया? हाँ, विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर टाइम अच्छा क्वेश्चन यार। जब भी फिजिक्स में रेट ऑफ चेंज होता है ना, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर में डेल्टा टी होगा। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? यस यस सर कोई डाउट है भाई? यस बार बार कह रहा हूँ, ये छोटा सा फॉर्मूला बच्चों को तंग करता है, और इस फॉर्मूले को दो तरह लिखा जा सकता है, एम ए या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहां तक कोई डाउट है तो रोक लीजिए। तो न्यूटन सर का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये एफ इजिकल टू एम ए जो लिखा हुआ है, इसको एफ इजिकल टू एम ए भी लिखा जा सकता है, या एफ इजिकल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी भी लिखा जाता है। नहीं समझ रहा? अभी तो फोर्स आप मास इनटू एक्सेलरेशन करके लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम डिफरेंस लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया? सेकंड लॉ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेकंड लॉ पे न्यूमेरिकल बनते हैं। जो पहले दो हैं वो तो ऐसी बेसिक सी बातें हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया मतलब द टेंडेंसी ऑफ अ ऑब्जेक्ट टू रिजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। कोई भी चेंज नहीं होना चाहता, बहुत सिंपल लाइफ का प्रिंसिपल है। आपकी क्लास का जो टॉप स्कोरर है, वो चाहता है टॉप स्कोरर ही बने। उसके अगर हमेशा 99% आते रहे हैं, तो कभी उसके 82% आएंगे तो वो जोर जोर से रोएगा। होता है ना, कई बार हम टॉपर के बारे में बोलते हैं चिंदी चोर है, दो दो नंबर के पीछे रोता रहता है, बिकॉज वो स्टेट ऑफ मोशन में है। और जो क्लास में जिसके 60% आते हैं या फेल ही होता है 45% वाला, वो पढ़ाई करना एकदम तो नहीं चेंज करेगा। कर भी सकता है, बट करने के लिए उसको एक नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। नहीं समझ रहा है? या सर तो हाँ, पिताजी ने झापड़ लगा दिया, या जिंदगी ने झापड़ लगा दिया, या जो भी है। कई बार एक और वर्ड भी पूछ लिया जाता है, मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। ये यूजली छोटी क्लासेस में सिखा दिया जाता है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। नहीं समझ में आया? हमारे लिए इस लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट है वो है मोमेंटम।
तो मोमेंटम को पी से डिफाइन करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी होता है, और जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। मित्रों यहाँ तक तो कोई डाउट है तो रोक लीजिए, पक्का। मोमेंटम का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमेशा यूजली टीचर क्वेश्चन पूछ ही लेता है वो है कोलिजन। मैं कोलिजन में 2 मिनट में आता हूँ, इसी लेक्चर में कवर करूंगा, बट अभी नहीं कर रहा। मैं 5 मिनट आपको छोटे छोटे से क्वेश्चन करा दूँ यहाँ तक, ठीक है? तो भाई दो तरह के सिस्टम होते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीए सिस्टम। एमकेएस मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। और ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम। यस नहीं सुन रहा, यहाँ तक मेरे साथ है? सर। ओके, तो ये मैंने ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बनाए हुए हैं यहाँ पर, तो ये आप कर सकते हैं। मिस्टर अक्षत, मैं आपको ये वर्कशीट भेज दूंगा, तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये तो एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, जैसे अब ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल यहाँ भी बनाए हैं, वेलोसिटी इतनी है, मास इतना है तो मोमेंटम निकालो, मास इतना है, वेलोसिटी इतनी है, मोमेंटम निकालो। ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। यहाँ तक मेरे साथ है? यस सर। मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल को याद करने के लिए छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं। जो एक्चुअल में मोमेंटम के जो क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो कोलिजन में बनते हैं, और वो मैं अभी 2 मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ तक मेरे साथ है? यस सर। बढ़िया। अब मोमेंटम में याद रखिए, मोमेंटम में ये साइंस वाले जो बैठे हैं इनको तो समझना ही पड़ेगा। मोमेंटम जो टॉपिक है वो 11th में फिर से आता है। ये 10th वाला लड़का बैठा है, इसको भी बीच बीच में मोमेंटम आता है, और फिर जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो मोमेंटम के फंडे हैं वो फिर से आते हैं। तो मोमेंटम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आपके साथ 10th का लड़का भी बैठा हुआ है, वो इंजीनियरिंग वाला खाना खा रहा है, नहीं तो मैं उसको भी साथ में बैठाता। यहाँ तक मेरे साथ है? तो मोमेंटम के फंडे आराम से बढ़िया समझ लीजिए, इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स अभी हम करेंगे। दो तरह के न्यूमेरिकल्स बनेंगे, एक तो बेसिक ये बनेगा कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक तो इस पे बनेगा, और दूसरा बनेगा कोलिजन्स पे। मैं दोनों आपको कराऊंगा, यहाँ तक मेरे साथ है? यस अब मोमेंटम में एक चीज़ जो गड़बड़ हो जाती है, जो बच्चों को थोड़ा तंग करती है, जो समझ नहीं आती, वो ये नहीं समझ आती कि मोमेंटम जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक मेरे साथ है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये समझ आती है आपको? क्या यस होता है भाई वेक्टर? डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कि डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो जैसे ये जो है ये हमारा वेक्टर है, ये जो है ये हमारा स्केलर है, ये जो है ये हमारा वेक्टर है, ये जो है स्केलर है, और ये जो है ये हमारा वेक्टर है। यहाँ तक मेरे साथ है? यस सर। अब वेक्टर में क्योंकि डायरेक्शन भी होती है, तो बच्चे जब ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं तो यहाँ पर फंस जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं, फाइली गुम हो जाती है। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स करते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। देखिए जरा, हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम है, 10 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, स्ट्रक बाय हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो बॉल है वो पहले यहाँ भाग रही थी 10 मीटर पर सेकंड पे, यहाँ तक मेरे साथ है? यस हॉकी स्टिक से टकराई और फिर रिटर्न इन द ओरिजिनल पाथ हो गया, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक मेरे साथ है? यस कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। नहीं समझ में आया? अब बच्चे जो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं वो एक गड़बड़ ये कर देते हैं कि अगर आप ये वाली जो डायरेक्शन है इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसकी उल्टी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी। नहीं समझ में आया? यस क्योंकि वेक्टर है तो आपका जो इनिशियल मोमेंटम है ये 200 ग्राम है, तो 200/1000 होगा, तो 1/5 kg होगा। नहीं समझ में आया? मेरे साथ है यहाँ तक? तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो 1/5 × 10 होगा। नहीं समझ में आया? जो कि इस साइड पॉइंट कर रहा होगा,
तो इस साइड पॉइंट कर रहा है तो मैं इसको पॉजिटिव मान ले रहा हूँ, नहीं समझ रहा। अब जब इस साइड गया तो ये वाला मोमेंटम तो नेगेटिव है, 1/5 × 5, नहीं समझ रहा है भाई, कंफ्यूजन है क्या? तो नहीं सर, पहला जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव है और दूसरा जो मोमेंटम है वो नेगेटिव है, तो डिफरेंस इन मोमेंटम जो है वो हमेशा PF - PI होता है। क्या मतलब? फाइनल माइनस इनिशियल, कभी भूलना नहीं है, डिफरेंस हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो फाइनल कितना है? -1, इनिशियल कितना है? 2, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? -3 kg m/s। ये जनता को समझ नहीं आता क्योंकि वेलोसिटी को वो पॉजिटिव और नेगेटिव करते नहीं है। कोलिजन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनता जो है उसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करती, नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है? जनता पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करती, यहाँ फंस जाती है। तो सेकंड वाला भी वो लोग पॉजिटिव ले रहे थे। अब जी, अब इसके जो डिफरेंस में आएगा वो ये वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे लेट अस अज्यूम ये वाला क्वेश्चन, मैं ये 13th और 16th को आपको कंट्रास्ट करके बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस क्या आ जाता है। जैसे 16th आप देखेंगे तो 100 किलो एक्सेलरेट हुआ यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी इतना टू इतना इन 6 सेकेंड्स। उसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं चल रही भाई, वेलोसिटी सेम ही चल रही है। इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकालिए, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालिए। नहीं समझ में आ रही है मेरी बात? एफ इज इक्वल टू यहाँ पर PF - PI / ΔT, नहीं समझ आया? तो PF क्या होगा? MVF - M, चलिए मैं इसको U ले देता हूँ, Δt। मेरे साथ हैं यहाँ तक? तो भाई ये जो वेलोसिटीज हैं ये सेम ही डायरेक्शन में है, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई फंडा नहीं है। मैं तभी आपको कंट्रास्ट करके दिखाना चाहता हूँ कि जो पहला हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें डायरेक्शन चेंज हुई थी, इसलिए एक को आपने पॉजिटिव रखा और दूसरे को आपने नेगेटिव रखा। बट ये जो आप केस कर रहे हैं, ये जो आप केस कर रहे हैं, इसमें दोनों जो वेलोसिटीज हैं, बोल रही थे, दोनों जो वेलोसिटीज हैं वो सेम डायरेक्शन में। तो 100 यहाँ से मैं इसको कॉमन ले लिया, तो फाइनल जो है वो 8 है, इनिशियल जो है वो 5 है अपॉन। तो 3 × 6 × 200, तो 50 न्यूटन की फोर्स लगी होगी। नहीं समझ में आ रहा? बिट आउट है? केमिस्ट्री की बुक लाए हैं? बोलिए, पढ़िए एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट कीजिए भाई, डाउट है? अरे ग्रेट ग्रेट, यहाँ तक कोई डाउट है? इसी का भाई जो है वो है ये, फिर से देख लीजिए। हैमर का मास 500 ग्राम, मूविंग एट 50 m/s, स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, 0.01 सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑन द नेल ऑन द हैमर? एक और बात जरा आराम से समझ लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में जब स्टॉप लिखा हो तो मतलब उसने बोल दिया कि जो वेलोसिटी है वो 0 है। आपके घर में आपको कोई कार्ड लेके नहीं आएगा और आपको बताएगा नहीं, आपको बता दिया गया कि जो वेलोसिटी है वो 0 है, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर वो बैग यहाँ पर रख दीजिए, बिल्ला भाग गया मेरा, बैग यहाँ रख दीजिए। चेयर पे बैठिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी बुक से पढ़िए। वो लखमीर सिंह से पढ़ा आपने? पढ़ा पढ़ा समझ अपनी बुक से तो पढ़ लीजिए, यहाँ तो कोई डाउट है? पढ़िए, में। यहाँ तो कोई डाउट है? तो हैमर सर 500 ग्राम का, 500 ग्राम तो समझ नहीं आता, तो आधा किलो तो समझ आता। मूविंग एट 50 m/s, तो ये मेरी यू है। स्टॉप्स द हैमर, तो ये मेरा वी है।
in a short time of 0.01 second. Force is equal to change in momentum upon time. Nice, all that. Mv minus u upon delta p. Adha kilo. Thank you, sir. Adha kilo, 0 minus 50 upon 0.01. Nice, all that. अब ये यहाँ देखते रहोगे, सर हिलाते रहोगे और वापस चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं. रिकॉर्डिंग हो रही है, घर पे जाके आपको ये न्यूमेरिकल दोबारा से करने चाहिए. सॉल्व करके रखा हुआ, इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे. इसका आंसर आ जाएगा 2500 न्यूटन. नहीं सॉल्व रहा ये मैंने सॉल्व करके रखा हुआ, ये सारे क्वेश्चन आपको इसका स्कैन भी मिल जाएगा. अभी सर समझिए, सही सॉल्व रहा. यहाँ तो कोई डाउट फिर सर समझिए, हम अभी तक कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ मोमेंटम का एम ए मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उसके न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं. एक बड़ी चीज हमने वो की, दूसरी बड़ी चीज हमने सिर्फ ये की कि हमने ये समझ लिया कि वेलोसिटी कोई भी न्यूमेरिकल, क्योंकि कोलिजन्स में ये बहुत काम आएगा. कोलिजन्स में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर ऐसे चल रहा है तो भैया इसकी अगर पॉजिटिव मानोगे तो इसकी अपने आप ही नेगेटिव मान लेना. यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं. उसी तरह ये दीवार है, ये दीवार पे आपने बॉल मारी, ये 10 मीटर पर सेकंड पे थी और वापस आई 8 मीटर पर सेकंड में. नहीं समझना, तो अगर पहली वाली 10 पॉजिटिव है तो दूसरा वाला जो 8 है वो नेगेटिव है. नहीं समझना भाई, जैसे मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो यार. हाँ सही नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने देखिए आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिए कि आपके पास मैथ्स में हम यूजुअली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करते हैं कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है और ये जो है ये मेरी नेगेटिव डायरेक्शन है. आपको कोई नहीं रोकता, आप अपना फ्रेमवर्क बना के ऐसे बना सकते हैं. आप बोल सकते हैं कि सर ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, कोई आपको कुछ नहीं बोलता, करिए. नहीं समझ में आ, आपने मुझे पता नहीं न्यूमेरिकल्स किए नहीं किए, जैसे आप ये न्यूमेरिकल्स करते हैं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर्स. नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया. इस केस में आप ये मानते हैं, आपने कभी रियलाइज नहीं किया कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, आपने कभी रियलाइज नहीं किया बट ये है. आप ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके घर का राज है, आप जैसे चाहते हैं उसको कर सकते हैं. यूजुअली हम ऐसे करते हैं बट अगर आपको लगता नहीं यार मैं उल्टा करके उसको करना चाहता हूं तो वैसे करेंगे वो भी, कोई डाउट नहीं. यहां तक मेरे साथ है? Yes, sir. अरे इस पे जो बैठे हैं सर शान से, वहां बैठिए, वहां नींद भी आएगी आपको हल्की हल्की. और बहुत बढ़िया चेयर है वहाँ, और कंफर्टेबल चेयर है ये तो, ऐसे मतलब वो जो इलेक्ट्रिक चेयर होती है ना वैसी है. देखा बढ़िया चेयर है, नींद आ जाएगी अभी 5-10 मिनट में, देखना बढ़िया. ध्यान दें मेरे साथ है? Yes. सेम फॉर्मूला, 1200 किलो की कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी स्लो डाउन 18 किलोमीटर पर आर पे होगी 4 सेकंड में बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन चेंज इन मोमेंटम, आल्सो कैलकुलेट द फोर्स. बढ़िया क्वेश्चन, सारी चीजें पूछ ली. तो जो 18 है वो माइनस 1, वो जैसे मर्जी जो आप करना चाहते हैं वो कर लीजिए. अब देखिए यहाँ वो बोल के आ रहा है, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, आंसर अपने आप ही आने शुरू हो जाएंगे. ये कार इस साइड चल रही थी कितने पे, 90 किलोमीटर पर आर पे. क्या ये कार अपने आप ही पूछेंगे, अपने आप ही सोचेंगे तो समझ आना शुरू हो जाएगा. क्या ये कार मुड़ गई से 18 किलोमीटर पर आर पे? अच्छा नींद में हो, मुड़ी क्या 18 किलोमीटर पर आर पे? क्या हुई? स्पीड कम, क्या डायरेक्शन सेम है? नहीं नहीं चेंज हो गई है. तो 18 किलोमीटर पर आर क्या नेगेटिव हो जाएगा? क्यों होगा, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. भाई डायरेक्शन सेम करने में और स्लो डाउन होने में फर्क है,
नहीं तो ना। समझो वो हाथ में पेंसिल पकड़ लो, पेन पकड़ लो, कोई डाउट है तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। ऐसे क्या नॉवल पढ़ रहे हो? हार्डी बॉयज पढ़ रहे हो? नैन्सी ड्रू पढ़ रहे हो? आपसे भी बात कर रहा हूँ। पेंसिल का, पेन का, अभी यहाँ तक मेरे साथ। अब इसमें वो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि दो तीन चीजें इकट्ठी पूछ रहा है। एक वो आपसे चाहता है कि यार यूनिट कन्वर्जन भी कर दो, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो स्पीड चलनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड में चलनी चाहिए। बहुत बढ़िया है। इंटू 5/18 करोगे तो मीटर बाय सेकेंड आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से, तो ये बन जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड और ये बन जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर, हम्म, 5 मीटर सर, 18 18 18, 5/18 है ना? 90 × 5/18 कौन हाँ सर, 18 18 कर लिया, 5 सा? 18 18, अरे सर, वो सर वो बना हाँ, थैंक यू यार, ये 5 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ रहा, यहाँ ना ठीक है, ये 18 18 कट गया, ये 5 है, ये 18 और 5 गिरा तो ये 5 है, तो ये 25 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है और ये भाई। अरे आपको आंसर मिला क्या? वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव? अरे वेलोसिटी 5 नेगेटिव भाई साहब, नेगेटिव कैसे आएगी? वही तो कह रहा हूँ। सर, क्योंकि 5 फाइनल है ना, तो 5 माइनस 20 अच्छा, आप कह रहे हैं कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस होगी? हाँ ऑफ कोर्स, ठीक। तो मैं डायरेक्ट फोर्स निकाल देता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये यहाँ पर शायद 4 सेकंड लिखा होगा, हाँ चार। सर, 4 सेकंड इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर जो है -7200 न्यूटन आएगा। नहीं समझ में आया? अब क्वेश्चन समझिए, ये मैं पकड़ रहा हूँ, बाकी डिलीट कर रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेट करते रहेंगे। देखिए हुआ क्या होगा, कितना 7200 हुआ क्या होगा, ये कार जब चल रही थी 90 किलोमीटर पर आवर पे और फिर स्लो डाउन कर गई 18 किलोमीटर पर आवर पे, तो ऑफ कोर्स भैया इस पे फोर्स लगी होगी ना अपोजिट साइड से, वो अपोजिट साइड जो है वो ये नेगेटिव शो कर रहा है। नहीं समझ में आप? सर, अथर्व जी समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? डाउट है तो रुक लीजिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ यार, ये सारे कैलकुलेशन आपको मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत कीजिए। ओके, साथ में वर्कशीट बनी हुई है तो ये कैलकुलेशन है, ये आपको मिल जाएगी, इसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपको सिर्फ जो अभी जो है वो ये कुछ चीजें समझ लीजिए कि जैसे इस माइनस का मतलब क्या हुआ। इस माइनस का मतलब ये हुआ कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, यहां पर एक अनकहा पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि ये तो इसकी डायरेक्शन में इसको पुश करेगा। नहीं समझ में आया? यहां तक मेरे साथ? तो यार ये जो सारे न्यूमेरिकल आपकी मैं आपके लिए यूज कर रहा हूँ, ये इसलिए आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जहां हम बेसिक मोमेंटम का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर रहे हैं। नहीं समझ रहा? बट जो जान निकलेगी आपकी वो यूजुअली निकलती है कोलिजन्स में, तो सर कोलिजन इज हमारे इसी थियोरी पे बेस्ड है, कोई ऊपर से नहीं आ। आई एम सॉरी, कोलिजन कोलिजन हो है ही नहीं है। वो क्या आपके पास अभी? अच्छा, मैं पुराना एडिशन पर लेके घूम रहा हूँ। अच्छा, कोलिजन निकाल दिया? नहीं, देखिए सर, देख लीजिए, अगर है ही नहीं फिर तो बात ही खत्म। आंसर उसमें नहीं, 72 भाई, देख लेते हैं, 2 मिनट रुक, देख लेते हैं। ये मेरी कैलकुलेशन है, ये देख ले, इसमें कुछ गलती है। ओ, ये गलती है, ऐसा वो पूरे ये में आएगा अभी भी 5 है, ये 5 बताया ना आपने, मैंने 1 डाला,
समझ आ गई मेरी गलती? लेकिन चार पूरे में भी कहीं चार तो I'm sorry. नहीं चार पूरे में भी नहीं वो सब ठीक है. ये देखिए, ये मैंने जो वेलोसिटी है ना, ये देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ. मैं गलती बता दूँ, मैं आपको गलती बता दूँ. -15 ये देखिए, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 5/18 25 मीटर पर सेकेंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 5/18 5 मीटर पर सेकेंड है. तो मेरी गलती क्या है, मैंने यहाँ एक ये 1 लिया होगा, ये 5 होगा, तो 5 - 25/4 × 1200, तो ये 20/4, 4 5 था, तो ये 6000 आएगा. 6000 न्यूटन, 6000 न्यूटन. मिस्टर थर, थैंक यू. अब ये जो 6000 न्यूटन है, बेसिकली ये जो 6000 न्यूटन है, ये रिटार्डिंग फोर्स है जो कि उसको रोक रही है. नहीं समझ रहा भाई, कोलिजन है या निकाल के थ्योरी में देखना. मेरे साथ हैं आप? अच्छा, कोलिजन निकाली भी है. दिखा दिखा दिखा. हाँ निकाली. अच्छा फिर तो आपका चैप्टर यहीं खत्म. सर ये एक फॉर्मूला तो पूरा न्यूमेरिकल सारे चैप्टर हाँ बाकी सब तो ज्ञान है. कोलिजन सर ने कलेशन हटा दिया हटाई थी पहले था, अब तो ये ऐसी ज्ञान है फालतू है, अजीब सी बात. बस करा. सो मान लो द स्टोरी क्या हुआ, तो पहले जो था, जो पहले जो सिलेबस था उसमें, ये देखिए आपकी बुक में यहाँ तक, ये यहाँ पर स्टोरी खत्म, ये यहाँ पर स्टोरी खत्म होगी, यहाँ पर ये स्टोरी खत्म होगी. तो पहले क्या था, जो पहला जो एडिशन था वहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करके ये था टॉपिक. यहाँ बच्चे कन्फ्यूज होते थे, मैं तभी आपको शुरू में बताया. अब तो ये निकाल ही दिया पूरा का पूरा, जबकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट बच्चों को चोट ना लगे दिमाग में, निकाल दिया. नहीं सुन रहा सर तो वो हॉकी वाला हमने किया था वो भी नहीं वो कौन सा? नहीं, वो तो होगा, है वो होगा, क्योंकि उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो कोलिजन्स आपके कोर्स में नहीं है. नहीं सुन रहा, ये तो स्टोरी यहीं तक है. फिर तो यहाँ पर भी ये जो है ना, यहाँ पर मैंने एक जो पीडीएफ बनाया हुआ है उसमें यहाँ पर कुछ ये मोर कोलिजन क्वेश्चंस करते ही है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपके होश नहीं है. भाई डाउट है? बाकी चैप्टर पढ़ लीजिए, इधर उधर की बात है, फालतू का ज्ञान. कुछ डाउट है तो पूछिए, बताइए. हाँ सर पुलिस भी माफ करा देती ओके तो ये बस ये ज्ञान है, चैप्टर में पढ़ते रहिए. अब अगर उन्होंने मोमेंटम ये निकाल ही दिया, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरा निकाल ही दिया, तो फिर आपको बेसिक ज्ञान के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ये सारा जो इधर उधर का ज्ञान है ये पढ़िए, इसमें कोई भी आपको डाउट है तो पूछ लीजिए. मिस्टर रित्र, चैप्टर खत्म. एक बढ़िया.